बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी है, जो कई बार जानलेवा साबित हो रही है। ताजा मामले रोहतास और भोजपुर जिले के हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। पहली घटना रोहतास जिले के दनवार गाँव की है, जहाँ अवैध रूप से शराब बनाने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि छठ पूजा के बाद शुक्रवार शाम दनवार गांव के 6 लोग शराब पीने गए थे, लेकिन घर लौटने के कुछ देर बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इन लोगों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से ही गाँव के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से ही शराब बनाने का काम चल रहा था। वहीं दूसरी घटना भोजपुर जिले के तरारी की है, यहां भी एक युवक की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। शराबबंदी के बावजूद सूबे से सामने आई इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। प्रशासन ने दनवार थाने के सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड हुए पुलिस कर्मियों में 5 अधिकारी और 12 सिपाही है। वहीं अब इस मामले की जाँच की जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।